सारा अली खान इन दिनों खूब लाइमलाइट में हैं। सारा ने केदारनाथ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थी। और इसके बाद सारा रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ नजर आई और ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। लेकिन अब इन फिल्मों की सक्सेस के बाद सारा अब अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हो चुकी हैं और वो अब अपनी अपकमिंग फिल्म्स का सिलेक्शन काफी सोच समझ कर रही हैं। हाल ही में खबर आई थी कि सारा जल्द ही लव आजकल 2 में नजर आने वाली हैं, लेकिन सारा ने इस फिल्म से किनारा कर लिया। दरअसल सारा का कहना था कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट उनको कुछ खास नहीं लगी और अब इस बड़े प्रोजेक्ट के बाद सारा ने एक और फिल्म से किनारा कर लिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सारा अली खान ने टाइगर श्रॉफ की बागी 3 को भी रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल सारा इस फिल्म में अपने रोल से ज्यादा खुश नहीं थी और उन्हें लगा कि फिल्म में उनके पास कुछ करने को नहीं होगा और इसी वजह से सारा ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। और अब बागी 3 के मेकर्स इस फिल्म के लिए एक बार फिर से किसी नए चेहरे की तलाश में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि बागी टाइगर श्रॉफ की सबसे सक्सेसफुल सीरीज है। इसके पहले पार्ट में टाइगर श्रद्धा कपूर के साथ नजर आए थे, वहीं इसके दूसरे पार्ट में वो अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के साथ नजर आए थे और फैंस ने इस जोड़ी को काफी पसंद भी किया था। वहीं इसके पहले पार्ट ने जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, वहीं इसके दूसरे पार्ट यानी बागी 2 ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वेल तो अब देखना होगा कि बागी 3 में टाइगर के साथ कौन सी अदाकारा स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आती हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।